चैनल सो आज होने वाला है मीशो हॉल, बिकॉज बहुत टाइम से मेरे चैनल पर मीशो हॉल नहीं आया था एंड मेनी ऑफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर वेस्टर्न वेयर मीशो हॉल. सो व्हाट आई थॉट, मैंने वेस्टर्न वेयर, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वेयर मतलब सब कुछ टॉप ड्रेसेस ऐसे पिकअप नहीं कर रहे हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना वेस्टर्न वेयर पूरा ही ले लेते हैं. सो आई हैव टॉप्स एंड सम ज्वेलरी एंड आई थिंक हेयर एसेसरीज, सैंडल्स. सो ये सारी चीजें मैंने आज के हॉल के लिए पिकअप करी. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग लाइटिंग, प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि अगर अब लाइटिंग थोड़ा ठीक है, बिकॉज मैंने आज थोड़ा लाइटिंग वगैरह डायरेक्शन वगैरह चेंज करा है. बिकॉज लास्ट रिसेंट वीडियोज में मैंने ये नोटिस किया था, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, जस्ट बिकॉज एक साइड से लाइट आती है एक साइड से नहीं आती है. सो आज मैंने फाइनली कुछ ऐसा डायरेक्शन वगैरह सेट किया था जिससे मुझे सामने फ्रंट लाइटिंग मिल रही है. सो या अगर ये ठीक लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इन केस अगर कुछ और चेंजेस करने हैं देन ऑल्सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं वो चेंजेस कर सकूँ. ओके सो वी विल स्टार्ट विद द टॉप, एंड जो टॉप मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया हम उससे स्टार्ट करेंगे. यस सो दिस इज अ मैरून स्क्वायर नेक टॉप, एंड ये मैंने मिंत्रा पे देखा था, बट देन आई थॉट कि मुझे यहाँ पे सस्ता मिल रहा है सो ऑफकोर्स मैं यहाँ से लेना पसंद करूंगी. एंड मैंने ये मिंत्रा से पिकअप किया था बट वहाँ मुझे एक साइज अप मिल गया था. इस बार मैंने ये एक्सेस में लिया एंड दिस इज द ब्यूटिफुल स्क्वायर नेक टॉप इन मैरून कलर. एंड ये सामने से बटन्स हैं, ये खुलती नहीं है सो ये ध्यान रखना. ऑल्सो जब मैंने इसे पहना तो ये बहुत टाइट हो रहा था पता नहीं क्यों, बट जब मैंने इसे उतारा तब मुझे पता चला. साइड में आपको जिप मिलती है जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, एंड ओवरऑल मुझे इसका कंप्लीट लुक बहुत प्यारा आ रहा है. मुझे जैसी साइज चाहिए थी ठीक वैसी है, मैंने एक्सेस साइज प्रेफर करी है. तो आप अगर आपको 30 बस लगता है तो आप भी एक्सेस ही लेना, अदरवाइज फिर वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा सामने से. बट मेरे लिए ये परफेक्ट है, जैसा मुझे चाहिए था ये ठीक वैसा ही है. अभी रिसेंटली मैंने इसमें फोटोशूट भी किया था तो आई विल जस्ट टेक सम ऑफ माई फोटोज इन दिस पर्टिकुलर टॉप. एंड ऑल्सो द प्राइस रेंज इज प्रीटी अफोर्डेबल, मैं सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. मीशो पे कोड्स होते हैं, लिंक्स नहीं होती हैं सो आई विल प्रोवाइड ऑल द कोड्स. एंड इन केस अगर वो पर्टिकुलर आइटम आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो वो कोड नहीं ओपन होता है, बट उसके जैसे आइटम्स आपको नीचे मिल जाएंगे. सो इन केस अगर कोई भी कोड अनअवेलेबल रहता है देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं उसका कोई दूसरा कोड प्रोवाइड कर दूंगी. सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉप एंड ओवरऑल स्पीकिंग आई जस्ट लव दिस वन. द नेक्स्ट वन इज लाइक सबसे सस्ता टॉप ऑफ टूडेज हॉल, बिकॉज आई थिंक दिस इज फॉर रुपीज 170 और 200 आई गेस. सो दिस इज द टॉप, एंड ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा फॉर श्योर. एंड ये हाफ स्लीव है एंड ये ऊपर से लाइक वो टर्टल नेक टाइप की जो नेक, नॉट दैट एग्जैक्टली टर्टल नेक, बट हाँ वो बहुत ज्यादा लाइक डीप भी नहीं है, बहुत ज्यादा टर्टल नेक में भी नहीं कहेंगे हम. सो दिस इज द लुक, एंड ये पहनने पर मुझे इसलिए प्यारा लगा लाइक दिस इज अ क्रॉप पैटर्न टी शर्ट, तो समर्स के लिए बहुत अच्छी है. एंड आप किसी भी जीन्स ट्राउजर के साथ इसे आराम से पेयर अप कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ ब्लैक कलर. मैंने इसलिए ब्लैक कलर में पिकअप करी है जस्ट बिकॉज मैं किसी भी रैंडम कलर के साथ इसे पेयर अप कर सकूं. ऑल्सो द फैब्रिक इज वेरी गुड, एंड यहाँ पे नीचे आपको व्हाइट स्ट्रिप मिलेंगी जो कि पीछे नहीं मिलेंगी, सो रिमेंबर दैट. एंड आई एम इन द साइज एस, तो आप एक बार चेक कर लेना साइज वगैरह अगर आपको बड़ी छोटी चाहिए हो. बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिकॉज 200 के अंडर में आपको आजकल कुछ भी नहीं मिलता है. बट मीशो पे अगेन आपको बहुत सारे आइटम्स है जो 200 में. सो आई विल सजेस्ट कि आपके वार्डरोब में एक ऐसा टॉप होना चाहिए जो आप कभी भी कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं. सो चेक दिस वन आउट. ओके सो द नेक्स्ट वन इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट टॉप, दैट इज दिस वन. सो दिस इज अ पिंक फ्रंट स्ट्रिप टॉप. सो ये मुझे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता है, मैं कभी भी शॉपिंग करने जाती हूँ एंड ये वाला टॉप ऐसा हो ही नहीं सकते मुझे देखे ना. सो ये अभी ट्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज जब इसे नीचे से हम टाई अप करते हैं तो वो ओपन ही रहता है, इसे थोड़ा टाइट करना चाहिए था, बट मुझे ये पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा है. बट इन केस अगर आपको चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं. मैंने सिर्फ ट्राई करने के बेसिस पे ही मुझे देखना था कि ये इसका क्या इतना ज़्यादा हाई पे मतलब मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये ट्राई करा. अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक इज वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज ऑल द टॉप्स आर अंडर 299 आई थिंक, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक एंड ऑल, बिकॉज यहाँ पे आपको बेल्ट स्लीव्स मिलती है एंड ऑल्सो इसका फैब्रिक आप पास से देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉलिड फैब्रिक है, बिल्कुल भी ज़्यादा सी थ्रू फैब्रिक नहीं है. सो इसे आप डेफिनेटली चेकआउट करना. ऑल्सो इसमें कलर्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं
सो मेक श्योर टू चेक द कलर्स एंड ऑल, बट स्पेशली दिस बेबी पिंक कलर इज लाइक समथिंग यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट. सो मूविंग ऑन फर्दर, आई हैव अ स्पेशल आइटम दैट आर हील्स. सो मैंने मीशो से पहली बार है जब मैंने हील्स की शॉपिंग करी है. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि मीशो से पर्टिकुलरली मुझे हील्स कैसी रिसीव होती है, एंड यू वॉन्ट बिलीव बिकॉज मुझे भी जब बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने इन्हें देखा था. सो अभी भी मैंने पैकेजिंग दिखाने के लिए मैंने इसे निकाली नहीं थी. सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग, एंड ऑल्सो जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे कार्ड आया है थैंक यू का फॉर शॉपिंग विथ अस, एंड द हील्स आर दीज. मतलब ये वाली अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना. मुझे साइज़ वगैरह आई थिंक थोड़ा सा टाइट है बिल्कुल, बट हाँ थोड़ा बहुत पहनने के बाद वो भी लूज़ हो जाने वाला है. सो दीज आर द ब्यूटिफुल सैंडल्स. ये वेज कलर में है. मुझे पर्टिकुलरली इस टाइप की हील्स चाहिए थी जो मतलब सिंगल स्ट्रैप की यहाँ पे हो एंड फिर यहाँ पे एंड यहाँ आप टाइप कर सकते. बहुत प्यारा लुक आ रहा है पहनने के बाद. मैं अभी आपको ऐसे ही शो करती हूँ. प्लस ये ब्लॉक हील पैटर्न में अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स जस्ट अमेजिंग, एंड मुझे ये दोनों हील्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं. यू गाइस कैन सी, एंड इसमें सारे कलर्स वगैरह भी है लाइक बेबी पिंक कलर, वेज कलर, ब्लैक कलर, ये सारे कलर्स भी अवेलेबल है. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं और हील्स परचेज करूँ मीशो से, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैंने बहुत सारी विश लिस्ट करके रखी है मेरे लिए. मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उस पर, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीशो पे इतनी अच्छी हील्स भी मिल जाएंगी, दैट टू इन ब्लॉक हील्स, बिकॉज मुझे ब्लॉक हील्स ही ज़्यादा पसंद है. द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड यार, मतलब मुझे बहुत प्यारी लग रही है. यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है, द स्ट्रैप एंड एवरीथिंग मुझे बहुत प्यारी लग रही है. आप एक बार पास से देख सकते, आप हील देख सकते, इसकी हाइट मेरी ऑलमोस्ट इस फिंगर से बड़ी ही आ रही है, एंड मैंने इसे ऑलरेडी वेयर किया था तो मुझे ओवरऑल इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा था. तो ये वाली आप डेफिनेटली चेक करना. मैं इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव बॉट द हेयर क्लिप्स, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे हेयर क्लिप्स हैं मीशो पे अवेलेबल. इसके पहले मैंने सारे नेक पीस और इयररिंग्स में ही सारी एसेसरीज पिकअप कर, देन आई थॉट कि हेयर क्लिप्स वगैरह ट्राई करना चाहिए, एंड आई थिंक सबसे अच्छी हेयर क्लिप मैंने ही वहाँ से पिकअप करी है. आई डोंट नो वाई मुझे इस बार का मीशो हॉल बहुत पसंद आया एवरीथिंग. सो यू कैन सी द क्लिप्स आर लाइक वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी. बहुत ज़्यादा वो मतलब मैसी सी नहीं आती है, कुछ कुछ हेयर क्लिप्स वैसी नहीं लग रही है. मुझे पर्टिकुलरली ये वाली जो क्लिप है ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब वो लाइट पिंकिश शेड में आपको बताती हूँ. सो यू कैन सी मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है. मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई कैन से मैं ऐसे ही अब वेयर करूँगी. मैंने पता नहीं क्यों नहीं करी स्टार्टिंग में. And also talking about this one is also very good. So इसका जो design है, इसके जो ये pearls है, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं. आप इसको एक बार पास से checkout कर सकते हैं. And this is too affordable, man. अगर आप इसका पूरा full set ले रहे हैं, आई थिंक इट्स फॉर 550, बट ये पर्टिकुलरली आपको 200, 250 के समय प्रॉक्स की मिल जाएंगी. सेम आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, वो बहुत कॉस्टली रहती है. सो आपको वो नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे एक बार चेकआउट करना है. सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. अगर आपके घर में शादी वगैरह भी आ रही है ना, या फिर कोई फंक्शन वगैरह है, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दीज हेयर क्लिप, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी डिजाइंस वगैरह अवेलेबल है. सो दिस पर्टिकुलर पिंक शेड वन इज वन ऑफ माई पर्सनल favorite item. The next one are earrings, and you can see this one. मुझे इस टाइप के earrings बहुत पसंद आते हैं, and also ये मैंने एक नहीं लिया, मैंने वो complete pack लिया है, pack of six I guess. सो ये पैक ऑफ सिक्स है, एंड तीन इसमें हैं, ये जो छोटे छोटे जो स्टड टाइप के आते हैं. सो ये स्टड इयररिंग्स ऑलरेडी मैंने अभी एक भी बार पहने नहीं है, सो ये इसी में रखे हुए हैं. यू कैन सी द डिज़ाइन एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा प्यारे गोल्ड प्लेटेड ये इयररिंग्स हैं. एंड ऑल्सो हुप इयररिंग में आई थिंक तीन हुप पैटर्न में अवेलेबल थे, दैट इज द दिस वो मैंने अभी वेयर करके रखा है. द नेक्स्ट वन आर लाइक द प्रिटीएस्ट मैन, सो दीज आर द इयररिंग्स. ये मैं बहुत टाइम से मीशो पे मेरी विश लिस्ट में थे, फाइनली मैंने इसे पिकअप करा इस बार. बहुत प्यारे लग रहे हैं, द डिज़ाइन, द पर्ल इयररिंग्स, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. एंड द लास्ट वन आई थिंक मैंने इसमें से निकाल दिए थे, जो मैंने मिंत्रा हॉल में पहने हुए थे, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि आपने ज्वेलरी कहाँ से पिकअप करी है. जो उस टाइम की ज्वेलरी थी वो सारी मेरी मीशो से थी. सो एक बार आप जरूर चेकआउट करना ये पेयर ऑफ इयररिंग्स. सो द नेक्स्ट वन आर हेयर क्लिप्स, नॉट दैट क्लिप्स, बट हाँ वो क्लिप पैटर्न के ही हैं, एंड ये अभी मीशो पे नए ही आए थे. सो आपने इस टाइप के जो क्लचेस हैं वो आपने मीशो पे ज़रूर देखे होंगे, ऑल्सो आपने इंस्टाग्राम और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी देखे ही होंगे. बट द बेस्ट थिंग इज मीशो पे आपको बहुत अच्छी प्राइस रेंज में मिल रहे हैं, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. एंड आई थिंक मेरे इसमें पांच थे, बट अभी मुझे चार ही दिख रहे हैं, पता नहीं मैंने फोर्थ वाला भी लगाया था तो मैंने कहाँ रख दिया. सो ये है एक ट्राइंगल शेप में, एंड इससे जो डिज़ाइन रहता ना वो कम्प्लीटली चेंज होता है. लाइक आप अगर हाफ पोनी बनाते हैं या फिर अगर आप फुल पोनी भी बनाते हैं,
तो ये आराम से लग जाएगा. सो दिस इज द ट्राइंगल वन एंड आई हैव द बो वन जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. सो दिस इज द क्यूटेस्ट बो पैटर्न. एंड इसके अलावा मेरे पास एक हार्ट शेप का है, दैट इज दिस वन. सो ये हार्ट शेप का भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. सो ये जब हम इन्हें स्टाइल करेंगे ना तब ये ज्यादा अच्छे लगेंगे. एंड द लास्ट वन इज दिस वन, दैट इज द फ्लावर पैटर्न वन. अगेन दिस इज वेरी प्रिटी. मुझे ये सिंगल डिजाइन वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. इसे अगेन रिपर्चेज करूंगी बिकॉज ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. एंड इनकेस अगर आप ये ढूंढ रहे थे कि आपको कहाँ मिल सकते हैं तो मेरे हॉल के थ्रू आपको पता चल गया कि आप देख सकते हैं, एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं मीशो पे. सो या So guys, that's it for today. I hope you really enjoy my today's Meesho haul. And जो भी आपको पसंद आया ना आज के हॉल में से, सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो मुझे पता चल सके कि आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया. And also for the next Meesho haul, I have planned some Y2K inspired fashion looks like jogger, t-shirt, everything, tie-dye t-shirt, the accessories, everything is inspired by Y2K fashion. So make sure to check my next Meesho haul. And I'll see you in my next video. Till then, stay home and stay negative. Bye.